गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू योर क्लास माई सेल्फ रचना सक्सैना टुडे वी विल स्टडी चैप्टर इलेवन दैट इज़ आवर एनवायरमेंट पेज नंबर सिक्सटी सिक्स ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक ओके ना एनवायरमेंट मींस एंड इंक्लूड्स ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरमेंट का मतलब होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों होते हैं अराउंड अपने हमारे चा आस पास इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वॉट एवर वी कैन सी जो हम देख रहे हैं अर्थ पे हमारे आसपास के उसको कहते हैं एनवायरनमेंट अ पर्सनस एनवायरनमेंट इज़ मेड ऑफ एवरीथिंग पर्सन के एनवायरनमेंट सभी कुछ बनाते हैं जो कि उनके आसपास होते हैं दैट इज़ हाउसेस बिल्डिंग्स पीपल एनिमल्स लैंड टेम्परेचर वाटर लाइट एंड अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द नॉन लिंग थिंग्स लिविंग थिंग्स जो हैं वो हैं वो डिपेंड होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे फॉर सर्वाइवल अपने को सर्वाइव करने के लिए ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर वाटर एंड हर प्लांट्स को और ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स को हवा पानी और सूरज की किरणें सनलाइट चाहिए होती है अपने आप को लाइफ सर्वाइव करने के लिए एनी चेंज इन द एनवायरमेंट एफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स कोई भी चेंज एनवायरमेंट में अगर होता है तो वो हमारी लाइफ को चेंज करता है इट इज़ सेट टू नो डैट ह्यूमन एक्टिविटी इज़ कॉजिंग ह्यूमन की हम लोगों की जो एक्टिविटी होती है वो हम ग्रेट हार्म पहुँचाती है एनवायरमेंट से हमको दे लिव इन वी नीड टू प्रोटेक्ट हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए और केयर लेनी चाहिए ऑफ आवर एनवायरनमेंट हमें अपने आसपास का एनवायरनमेंट को एकदम साफ सुथरा और अच्छा रखना चाहिए अस सी व्हाट वी कैन डू टू मेक एनवायरनमेंट क्लीन अब हम ये देख रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए और एक बेटर प्लेस बनाने के लिए फर्स्ट इज डू नॉट थ्रो वेस्ट और हाउस होल्ड गारबेज इन अ केयरलेस मैनर मतलब हमें वेस्ट uh, कुछ भी कुछ भी कूड़ा गंदा हमें नहीं फेंकना चाहिए या किचन uh, की जो uh, जो कूड़ा होता है पील्स होती हैं वेजिटेबल्स uh, की उनको केयरलेसली मैनर्स पे स्ट्रीट्स पे नहीं फेंकना चाहिए लेंस में नहीं फेंकना चाहिए और या ओपन ड्रेन्स में हमें कहाँ फेंकना चाहिए वी शुड यूज गारबेज बिन्स सेकेंड डू नॉट यूज़ रोड्स हमें रोड्स भी यूज़ नहीं करनी चाहिए स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस और दूसरी पब्लिक प्लेसेस भी यूज़ नहीं करनी चाहिए टॉयलेट्स के लिए हमें अगर हमें टॉयलेट जाना है तो हमें पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करनी चाहिए और उसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए हाइजीनिक होनी चाहिए यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग हमें पेपर या क्लॉथ बैग को यूज़ करना चाहिए पॉलिथिन और प्लास्टिक बैग्स की जगह डू नॉट अलाउ वाटर पानी को अलाउ नहीं करना चाहिए टू स्टैंड इन ड्रेन्स मतलब ड्रेन्स में भरे नहीं पानी और इन कूलर्स कूलर पडल्स और इन कूलर्स एज दीज अगर इन जगहों पे पानी भर जाएगा या ऊपर पानी गंदा पानी आएगा तो इससे हम लोगों को मॉस्किटोज बाइट uh, uh, करते हैं एंड वी कैन सफर फ्रॉम मलेरिया नाउ देर इज वन फिलअप इन द ब्लॉक गैप यू हैव टू फिल दैट एनी चेंज इन द डैश अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स सो हेयर द आंसर विल बी एनवामेंट सेकेंड इज यूज पॉलिथीन और क्लोथ बैग्स टू थ्रो वेस्ट कुछ भी गंदगी या कुछ भी चीज़ हमें फेंकनी है तो हमें ये क्लॉथ बैग या पेपर यूज करना नैक्स्ट फेज नाउ वेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स दो प्रकार के वेस्ट होते हैं बायोडिग्रेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट बायोडिग्रेबल वेस्ट किसे कहते हैं वेस्ट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट ओवर फूड वो वेस्ट जो खाना रह जाता है पील्स जैसे छिलके ऑफ वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के पेपर के प्लांट्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉलन लीव्स मतलब जो पत्तियाँ सूख के गिर जाती हैं या पैटल्स एंड एंड टू सच वेस्ट इज डिकम्पोज और येसा वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होता है बाई द बैक्टीरिया एंड अर्थफॉर्म उसमें बैक्टेरियाज आ जाते हैं अर्थफॉर्म आ जाते हैं एंड इट कैन ईजिली भी मिक्स विद सॉयल टू मेक इट फर्टाइल और वह आसानी से मिट्टी के संग मिल जाता है और फर्टाइल करता है नॉन बायोडिग्रेबल क्या है नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ थिंग्स इसमें वो चीज़ें होती हैं जो डेट डू नॉट अलाउ इजीली और मिक्स जो आसानी से सॉइल के संग मिक्स नहीं होती हैं विद द प्लास्टिक थिंग्स सॉयल के संग मिक्स नहीं होती हैं प्लास्टिक थिंग्स कैन यू प्लास्टिक थिंग्स कैंस यूज फॉर एरिटेटेड ड्रिंक प्लास्टिक थिंग्स जो हैं वो यूज होती हैं ड्रिंक्स के लिए चाहे आप सॉफ्ट ड्रिंक हो हार्ड ड्रिंक हो कुछ भी सिल्वर फ़ॉइल यूज़ फ़ॉर रेस्टोरेंट सिल्वर फ़ॉइल यूज़ होता है रेस्टोरेंट्स में फ़ॉर पैकिंग द फूड और इन योर किचन हम अपने किचन में भी सिल्वर फ़ॉइल यूज़ करते हैं बच्चे टिफ़िन लाते हैं वो अपना चपाती पराठा जो भी लाते हैं दे आर ब्रिंगिंग इन सिल्वर फ़ॉइल और होटल्स टू पैक योर फूड ऑल आर ऑल नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट मतलब ये अगर हम ऐसे ही फेंक देंगे मिट्टी में तो ये आसानी से मिट्टी में मिक्स नहीं होती है नहीं उसके साथ

डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वेस्ट को हमें कैसे डिस्पोज डिस्पोज करना चाहिए मतलब उसे खत्म करना चाहिए हैव यू सीन हाउ वेस्ट इज डिस्पोज क्या हमने कभी देखा है आप लोगों ने कि वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ़ करते हैं बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गेट रेड ऑफ वेस्ट वो वेस्ट लेते हैं कलेक्ट करते हैं हर सिटी हर टाउन से डिफरेंट वेज में फर्स्ट इज़ बर्निंग वेस्ट इज कलेक्टेड एट वन प्लेस वेस्ट जो है कूड़ा जो है वो एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसे जला देते हैं केमिकल वेस्ट और अदर फॉर्म्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट केमिकल वेस्ट होते हैं या कोई और अदर टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो बर्नट होते हैं फर्नेस में विच इज एन एनक्लोज प्लेस जो एक बंद जगह पे उन्हें बर्न किया जाता है बट बर्निंग कॉज इज एयर पोल्यूशन लेकिन जब बर्न होकर के उसका धुआं निकलता है वो एयर में जाता है और वो हमारी एयर को पॉल्यूटेड कर देता है और हम सांस लेते हैं एंड इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट नाउ डंपिंग वेस्ट फ्रॉम कॉलोनी कॉलोनीज इज कलेक्ट टेड एंड कैरीड आउट इन ट्रक्स कॉलोनीज में जाके वेस्ट स्वीपर लेता है कलेक्ट करता है एक ट्र ट्रक में देन इट इज़ टेकन टू फार अवे फिर वो बहुत दूर ले जा कर के फार अवे प्लेसिस एंड इज सिंपली डम्प बहुत दूर ले जा कर उसको वहाँ पर डम्प कर देता है दिस डंपिंग ग्राउंड इज अ ब्रीडिंग प्लेस और ये डम्पिंग ग्राउंड ब्रीडिंग प्लेस बन जाती है या फॉर ड्रॉडेंट्स मॉस्किटोज के लिए जर्म्स एंड मक्खियाँ भी उस पर आती हैं ऑफ ऑल काइंड और बहुत ही स्मेल करता है दिस प्रोसेस टू पॉल्यूट द एन्वायरमेंट और ये भी एनवायरमेंट को हमारे पॉल्यूट करती है नाउ लैंडफिल्स द मोस्ट पॉपुलर मैथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज लैंडल्स जो मोस्ट पॉपुलर मैथड है डिस्पोजल का वो है लैंड फिल्स लैंडफिल्स आर फाउंड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी लैंडफिल्स पाया जाता है सिटी के बाहर आउटर एरिया में दे आर डीप डिचेज बहुत गहरे डिचेज होते हैं विच आर डग इन द ग्राउंड जो खोदा जाता है ग्राउंड में एंड द गारबेज और उसमें सारा कूड़ा डाल के वो उसको ऊपर से बंद कर देते हैं वैन फुल दीज डिचेज आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ अर्थ फिर इसपे लेयर ऑफ अर्थ मतलब कई सारी लेयर्स आ जाती हैं। इट आल्सो अलाउज़ द लैंड टू बी यूज़ फॉर मेकिंग पार्क्स और ये अलाउ कर देते हैं लैंड को कि उसमें पार्क्स और वेजिटेबल्स गार्डेन्स भी बने। कंपोस्ट पिट्स क्या होता है? इन विलेजेस पिट्स आर डग इन द ग्राउंड पिट्स जो हैं वो ग्राउंड uh, में डग किए जाते हैं खोदे जाते हैं पिट्स मीन्स एक uh, आप कह लीजिए गड्ढा टाइप हाउस होल्ड वेस्ट इज डंप्ड हाउस होल्ड वेस्ट डंप किया जाता है एंड आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट्स इंटू मैन्योर फिर उसके बाद वो खाद में परिवर्तित हो जाता है मैन्योर में दिस मैन्योर इज कॉल्ड कम्पोस्ट और इस मैन्योर को कंपोस्ट कहते हैं इट प्रोवाइड सॉयल विद न्यूट्रिएंट इसमें सॉयल होता है न्यूट्रिएंट्स के संग एंड फर्टिलाइजर्स एज वेल एज एनेबल्स द लैंड to retain moisture uh, with the nutrients and fertilizers nutrients of fertilizers okay sang, -sang wo, the land to retain moisture क्रॉप डाटा ग्रोन बाई यूजिंग इट जो हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं बाई यूजिंग इट कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड द फार्मर्स यूज नेचुरल मैन्यू फार्मर जो हैं वो नेचुरल खाद यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स चेक आउट आ रॉ ऑफ ऑर्गेनिक फूड द नेक्स्ट टाइम यू गो टू फूड बाजार नाउ दियर आर द थ्री आर एस 3 RS that is recycle, reduce and uh, rescue. री यूज़ सो इफ वी वॉन्ट टू लिव इन क्लीन एनवायरमेंट अगर हम क्लीन एनवायरमेंट में रहना चाहते हैं वी शुड ना वी शुड लर्न द थ्री आर एस ऑफ द इन्वायरमेंट वो है रिसाइकल री यूज एंड रिड्यूज वाट इज रिसाइकल मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज एवरी डे कई सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं हर दिन लाइक पेपर बैग कैंस एंड मिल्क कार्टून आर मेड आउट ऑफ मटीरियल्स डेट कैन बी रिसाइकिल इसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं रिसाइकल्ड करके मैनी सिटीज एंड टाउन्स हैव रिसाइकलिंग सेंटर्स कई सारी बड़ी बड़ी सिटीज में रिसाइकलिंग सेंटर्स भी हैं वे यू कैन ड्रॉप ऑफ द मटेरियल जहाँ पे आप अपना मटेरियल ले जा सकते हैं यू हैव कलेक्टेड ट्राई टू मेक वन इन योर नेबरहुड और इन योर स्कूल नाउ री क्या होता है री यूज़ मीन्स जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल आइटम हमें डिस्पोजेबल आइटम्स को री नहीं करना चाहिए ऑलवेज़ कैरी योर ओन री यूजेबल मग अपना ही री मग लेके चलना चाहिए ईटिंग यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ शॉपिंग बैग्स विद यू डोनेट योर ओल्ड क्लोथ हमें अपने पुराने कपड़े डोनेट करने चाहिए टॉयज़ एंड फर्नीचर भी यूज़ बोथ साइड ऑफ़ द राइटिंग पेपर पेपर के दोनों तरफ हमें लिखना चाहिए एंड ऑल्सो यूज़ पेपर ग्रॉसरी बैग और हमें पेपर ग्रॉसरी बैग भी यूज़ करना चाहिए टू मेक बुक कवर्स बुक कवर्स हम उससे चढ़ा सकते हैं मैनी ट्रीज विल बी सेव बाई डूइंग दिज और कई सारी ट्रीज भी सेव होती हैं इन मेक फन आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स हम आर्ट और क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं जैसे कि डस्टबिन आउट ऑफ कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड से हम डस्टबिन बनाते हैं बॉक्सेस एंड पेंसिल स्टैंड्स फ्रॉम द कैंस यूज़ योर इमेजिनेशन यूज रिचार्जेबल बैटरीज हमें रिचार्जेबल बैटरीज यूज करनी चाहिए इंस्टेज ऑफ डिस्पोजल बैटरीज बैटरीज नॉट ओनली टेकअप द लैंडफिल खाली लैंडफिल ही नहीं लेती हैं जगह ही नहीं घेरती हैं बट ऑल्सो लीक एसिड इन टू द अर्थ लेकिन वो um, बैटरीज जो हैं, वो एसिड भी उनसे उन लीक करता है रिड्यूस रिड्यूस क्या रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज द बेस्ट वे टू हेल्प एनवायरमेंट मतलब वेस्ट को कम से कम हम वेस्ट को बाहर निकालें एनवायरमेंट में कम से कम वेस्ट को हम लें देयर आर सेवरल सेवरेल टू डू दिस व्हीकल्स यूज एनर्जी व्हीकल्स एनर्जी यूज करते हैं कॉज पॉल्यूशन एनकरेज कारपूलिंग विद फ्रेंड्स और हमें कारपूलिंग के, के संग मतलब एक कार में कई लोगों को जाना चाहिए वॉकिंग और टेकिंग द बस गेट इन ेट इन टू द हैबिट ऑफ राइडिंग या बाईसिकल हमें अपनी बाईसिकल की हैबिट डालनी चाहिए टू लोकल एरियाज इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग सेव एनर्जी बाई टर्निंग लाइट्स ऑफ हमें एनर्जी सेव करनी चाहिए बेफालतू में लाइट नहीं जलानी चाहिए वन नॉट नीडिड टर्न ऑफ द टैप चलता हुआ पानी नहीं हमें छोड़ना चाहिए हमें टैप को बंद करके रखना चाहिए वेन यू आर नॉट इन यूजिंग वाटर बाई प्रोडक्ट देट डोंट हैव लॉट ऑफ पैकेजिंग वो प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए जो जिस जिसपे ज़्यादा पैकिंग ना हो मोर देन थर्टी परसेंट ऑफ अवर वेस्ट इज़ पैकिंग हमारा कई सारा वेस्ट थर्टी परसेंट वेस्ट तो हमारा पैकिंग से ही होता है इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू प्रिवेंट एनवायरमेंट पॉल्यूशन इफ़ वी जॉइन हैंड्स अगर हम एक दूसरे से हाथ मिला के चलेंगे तो हम आसानी से अपने एनवायरमेंट को स्वच्छ साफ अच्छा बनाएंगे विद एवरी वन एंड रियलाइज अवर और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रियलाइज होगी ना वन मोर फिलयर इज देयर रिसकिल री यूज रिड्यूज आर द द्री आर्स दैट कैन क्लीन द एनवाइ सो स्टूडेंट्स नाउ द चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी गिविंग यू द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर कॉपी टिल